हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 12। तो हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसका कुछ नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसका कुछ नाम रख देंगे। लेट ए इज इक्वल टू 2111। तो हम लोग यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई और ए में क्या दिया हुआ है 2111 इज इक्वल टू ए और यूनिट मैट्रिक्स होता है 1001। तो क्या बताए थे कि ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं इसे हमें 1 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग रो 1 में चेंज करेंगे और लिखेंगे रो 1 माइनस रो 2। अब देखिए क्या होगा, आप यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं, 2-1 ये रो 1 को लिख दिए और ये रो 2 1-1 हो गया। यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें 1-0 और रो 2 में कोई चेंज नहीं है इसलिए रो 2 के एलिमेंट्स वही उतर जाएंगे इज इक्वल टू। अब ये देखिए रो 1 यहाँ भी चेंज होगा तो रो 1 में क्या दिया हुआ है 1-0, रो 2 में क्या दिया हुआ है 0-1, इसे हमें माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा और माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 0-1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताए थे, याद रखिए इसे हमें 0 करना है। तो इसे हमें 0 करने के लिए कौन सा स्टेप यूज करेंगे, देखिए R2 में क्या लिखेंगे R2-R1। तो बताए थे कि यदि आपको दिक्कत है तो आप रफ वर्क कर सकते हैं, ये देखिए रो 2 के एलिमेंट्स को लिख लिए और ये रो 1 के एलिमेंट्स को लिख लिए, फिर यहाँ पे करते क्या है माइनस, देखिए 1-1 0, 1-0 1, दैट मीन्स ये 1-0 तो पहले लिख दिए फिर हमें यहाँ लिखना होगा 0-1। ए इन टू, देखिए यहाँ पे रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 2 में चेंज है तो पहले हमें रो 2 को लिखना होगा फिर हमें रो 1 को लिखना है फिर हमें माइनस करना है। तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये 2, -1 एंड 2। तो इसको ध्यान से देखिए, ये मेरा यूनिट मैट्रिक्स हो गया और जब ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया तो मेरा ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा 1-1 -1 एंड 2। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।